So now we have to consider here the composite के कितने constituents हैं, constituents of composite. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपोजिट, तो इसका एक है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, और दूसरा है इसका रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट मटेरियल. तो रीइंफोर्समेंट मटेरियल यह लोड को डाइवर्ट करता है. केवल मैट्रिक्स जो है, एक्चुअली मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है मेजर पार्ट ऑफ द कंपोजिट इज द मैट्रिक्स. इसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम भी कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम. मतलब जैसे कि आप देख सकते हो लाइक दिस, कि अगर ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर का मेल्ट है, तो इट इज द मैट्रिक्स. एंड इन दिस मैट्रिक्स मेनी ऑफ द रीइंफोर्समेंट मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस आर डिस्पर्स्ड. तो इसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, या डिस्पर्सन मीडियम है, यह है डिस्पर्स, डिस्पर्स्ड फेज. तो जैसे कि इसमें आप ऐसे डाल दीजिए फाइबर ग्लास, तो ये क्या हो गया, ये जो फाइबर ग्लास है इट बिहेव्स एज रीइंफोर्समेंट मटेरियल. सो देयर आर टू पार्ट्स, वन इज द मैट्रिक्स एंड सेकंड इज द रीइंफोर्समेंट मटेरियल. अब कहता है कि क्लासिफिकेशन में आइए, तो क्लासिफिकेशन जो है वो आपका कई चीजों पर निर्भर करता है. जैसे कि क्लासिफिकेशन में आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में मैट्रिक्स बेस है, मैट्रिक्स के आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट मटेरियल के आधार पर भी आप कर सकते हो. तो पहली बात हम अब बताते हैं कि ये जो मैट्रिक्स के आधार पर क्या होता है. एक होता है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, MMC, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट. दूसरा क्या होगा आपका, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, और तीसरा होगा सिरेमिक, सिरेमिक्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स आप जो है इसको तीन भागों में बांट सकते हो. फिर कहता है रीइंफोर्समेंट के आधार पे आप कर सकते हो, कि रीइंफोर्समेंट में आपको पार्टिकल साइज है या फाइबर साइज का है. पार्टिकल में भी दो पार्ट हैं, तो हम यहां लिखेंगे पार्टिकल, पार्टिकल रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट. पार्टिकल रीइंफोर्समेंट में दो पार्ट करेंगे आप, एक होगा लार्ज पार्टिकल और एक होगा स्मॉल पार्टिकल, लाइक दिस स्मॉल पार्टिकल. इसके बाद फाइबर, फाइबर, फाइबर में भी आप इसको लॉन्ग फाइबर या
शॉर्ट फाइबर आप कह सकते हो, दिस इज द लॉन्ग फाइबर, दिस इज द लॉन्ग फाइबर, और इसको शॉर्ट फाइबर भी आप कह सकते हो, शॉर्ट फाइबर जिसको डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं शॉर्ट फाइबर। इसके बाद जो है स्ट्रक्चरल है, क्या कहेंगे इसको, स्ट्रक्चरल, उधर दिख नहीं रहा होगा आपको, वैसे हम दिखा दें अगर, तो स्ट्रक्चरल में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के हम बताएंगे कि स्ट्रक्चरल में क्या होता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि कंपोजिट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कुछ हम क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि हमेशा ये फाइबर ओरिएंटेशन की बात की जाती है, और पैनल की बात की जाती है, सैंडविच की बात की जाती है, लेमिनर कंपोजिट की बात की जाती है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है, ये आपका लेमिनर हो सकता है, सैंडविच हो सकता है, तो इसके आधार पे आप बता सकते हो कि हमारा कंपोजिट कैसे होता है, जैसे प्लाई वगैरह की हम बात करते हैं। अब इसी संबंध में आपको हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में आपको केवल ये मिलेगा, कहता है कि कंपोजिट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कंपोजिट क्वेश्चन है, कंपोजिट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी reinforcement, C matrix and C को यहां लिख रहा हूं, C matrix and reinforcement। और इसका जो ए बी सी और डी में आप कर सकते हो, नन ऑफ एबव लाइक दिस। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो कंपोजिट मटेरियल के दो भाग होते हैं, एक पार्ट होता है मैट्रिक्स जो लार्ज पार्ट होता है, रीइंफोर्समेंट कम होता है। तो जब कंपोजिट के अंदर यह दोनों पार्ट हैं, तो अकेले केवल हम कंपोजिट का क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स के आधार पर ही नहीं कर सकते हैं, या हम केवल रीइंफोर्समेंट के आधार पर नहीं कर सकते हैं। हमको ये सही लगता है कि मैट्रिक्स एंड रीइंफोर्समेंट दोनों के आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पूछता है कि सैंडविच, अभी हमने नाम लिया है आपको कि सैंडविच, सैंडविच क्या होता है आप जानते हो, हेलो सैंडविच नाम सुना है, ये क्वेश्चन जो है आप देखिए,
कि क्वेश्चन नंबर दो, सैंडविच कंपोजिट, सैंडविच कंपोजिट विच फॉलो, विच फॉलो मटेरियल विच फॉलोइंग, विच फॉलोइंग मटेरियल, विच फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज फिलर। कुछ मटेरियल दे रहा है, सैंडविच का मतलब है जैसे कि आप एक ये ऊपर का एक सीट है, एक नीचे की सीट है, दोनों सीट को आप जोड़ना चाहते हो तो यू हैव टू यूज सम फिलर हियर। तो फिलर के रूप में आपको क्वेश्चन दे रहा है कि कौन कौन से मटेरियल फिलर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कहता है ए, वुड, क्या वुड को हम एज ए फिलर इस्तेमाल कर सकते हैं। बी कहता है सीमेंट, सीमेंट को यूज इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फिलर। सी कहता है पॉलीमर, पॉलीमर, क्या पॉलीमर का हम यूज कर सकते हैं एज ए फिलर। और फिर डी कहता है ऑल ऑफ एबव, ये सभी जितने हैं इनको हम एज ए फिलर यूज कर सकते हैं। तो सही है, ये बात सही है, वुड को भी हम फिलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट को कर सकते हैं, पॉलीमर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ऑप्शन डी है इट इज करेक्ट। सो यू कैन चूज क्वेश्चंस कि आपको क्या सही उत्तर होगा। तो कंपोजिट के बारे में अगर आप जानते होंगे तभी आप क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो। इसलिए क्योंकि कंपोजिट आज की इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी एक ही मटेरियल से हम चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन ए सिंगल मटेरियल। जैसे लोहे से हम बहुत सारी चीजें चाहें तो नहीं मिलेगा, अल्मुनियम से चाहें नहीं मिलेगा, कोई भी आप मटेरियल ले लीजिए। जैसे लकड़ी की ही बात अगर किया जाए तो आज कल प्लाई को ज्यादा हम प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बहुत सारे जो हैं गुण हैं प्लाई के अपेक्षाकृत वुड के। वैसे भी मैं बता दूं कि वुड जो है इटसेल्फ ए नेचुरल कंपोजिट है, इसके अंदर बहुत सारे जो फाइबर्स रीइंफोर्समेंट के रूप में होते हैं, लेकिन वो नेचुरल कंपोजिट है, हम उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे। तो आपको एक ये क्वेश्चन मैंने एक मॉडल क्वेश्चन बताया। इसी प्रकार से आप यह देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसे आप देखिए कि कहता है कि कंपोजिट्स हैव लो फायर पॉइंट। यही एक स्टेटमेंट है कि कंपोजिट हैज लो फायर पॉइंट। ऑप्शन दिया है इट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
स्टेटमेंट ये सही है या गलत है, आप बता सकते हो कि जो कंपोजिट मटेरियल है उसका फायर पॉइंट कम है या ज्यादा है। तो कंपोजिट की एक सबसे खराबी क्या है, यही खराबी है, ये जो प्रॉपर्टी है कंपोजिट की, ये इसकी जो है खराबी कही जाती है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है, क्योंकि कंपोजिट का फायर पॉइंट मटेरियल की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन ये देख सकते हो। क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हो कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंपोजिट के कौन सा ऐसा है जो कि डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज माने इट इज नॉट द एडवांटेज। जैसे आपसे ये क्वेश्चन ये दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट advantage of composite। Number 1, easy to manufacture and durable, easy to manufacture एंड ड्यूरेबल, यह सही है, यह है, इसका एडवांटेज है ड्यूरेबल, तो यह डिसएडवांटेज नहीं हुआ। इसके बाद कहता है कि इसमें थर्मल मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक्सेलेंट होती है। दूसरा जो है ऑप्शन अगर देता है तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जो कंपोजिट है इसकी एक्सेलेंट केमिकल मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी सही है, डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है। लेकिन कहता है कि ये हेवी वेट है और नॉन वर्सटाइल है, ये गलत है। हेवी वेट एंड नॉन वर्सटाइल माने ये बहुमुखी उपयोग का नहीं है, नहीं है, ये बहुमुखी उपयोग का नहीं है, ऐसा है, हेवी नहीं है, ये कहां से, कोई भी कंपोजिट हेवी नहीं होता, तो ये हमारा इसका क्या है, नॉट एडवांटेज। देखिए भाषा को आप हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ लिखा है नॉट एडवांटेज, एडवांटेज आपने पढ़ लिया, नाम छोड़ दिया, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे और तभी जा करके इसका उत्तर आपको आराम से मिलेगा। जैसे